हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फ्री सर्कल लैब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक होम थिएटर में ब्लूटूथ किट लगाकर दिखाऊंगा। ये किसी भी होम थिएटर में वर्क करेगा और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आप कुछ स्टेप मिस कर जाएंगे। आप बार बार पूछते हो कि ये मिलेगा कहाँ से, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन में प्राइस है 200 रुपये के आसपास और ऑफलाइन में कोई म्यूजिक सिस्टम या होम थिएटर रिपेयरिंग शॉप पर आपको 150 रुपये के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ आपको एक रिमोट और कुछ वायर मिलता है। इसमें आपको सपोर्ट मिलता है USB पेन ड्राइव कार्ड रीडर TF मतलब मेमोरी कार्ड का, और इसमें FM और ब्लूटूथ है। और मार्केट में एक छोटा किट भी मिलता है जहाँ पे ओनली ब्लूटूथ का सपोर्ट है। इसका प्राइस है 50 रुपये का ऑफलाइन में, ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस वाली किट का इंस्टॉलेशन वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब हम प्रोसेस में चलते हैं। इस वाले ब्लूटूथ किट का जो प्लास्टिक है, इसके अंदर एक बाउंड्री बना हुआ है, इसके साथ मैच करके एक कागज़ का हमें काटना है, वो हमारा टेम्पलेट के जैसा काम करेगा। अब होम थिएटर का फ्रंट पैनल में सही लोकेशन चूज करके इस वाले टेम्पलेट को यूज करके एक मार्क बना लेंगे और उस मार्क को एक चाकू और सोल्डरिंग आयरन के मदद से हम काटेंगे। चाकू को बिठा के सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा थोड़ा हिट देंगे तो वो काट के चला जाएगा। और इस प्रोसेस का स्पीड बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग आयरन का टिप में थोड़ा सोल्डर ले लेंगे ताकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर ज़्यादा स्पीड में हो। इस वाले हिस्सा को काटने के बाद हम ध्यान से इसको निकाल लेंगे और काटने के टाइम में इसके अंदर जो स्टैंड्स रहता है पीछे की साइड में, उसको अवॉइड करना है क्योंकि काटने के बाद आप इसको वापस से ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इस वाले फ्रेम को बिठा के ठीक से देख लेना है कहाँ पे लग रहा है कुछ, या पे एडजस्टमेंट करना है कि नहीं। और एडजस्टमेंट करने के लिए आप सोल्डरिंग आयरन, हैंड सो ब्लेड या फिर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली हम एक चाकू से इसको स्मूथ करके इसकी फिटिंग को ठीक से बना लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर भी देख लेंगे ये बोर्ड भी ठीक से फिट हो रहा है कि नहीं। अब हम इस बोर्ड का कनेक्शन को समझ लेंगे। यहाँ पे टोटल 6 कनेक्शन है, 3 ग्रुप में डिवाइड। एक है पावर के लिए, दूसरा है ऑडियो के लिए और तीसरा है FM एंटेना के लिए एक सिंगल एक्स्ट्रा वायर। यहाँ पावर का लाइन में VCC और ग्राउंड है, प्लस और माइनस का लाइन। ग्राउंड में हमेशा माइनस देना है, VCC में +5 वोल्ट देना है। ये गलत करेंगे तो इसकी IC जल जाएगा और ये किट पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ऑडियो का कनेक्शन में आपको 3 कनेक्शन मिलता है। एक है बीच में ग्राउंड मिलता है, वो है आपका ऑडियो का ग्राउंड, और एल आउट और आर आउट है आपका ऑडियो का लेफ्ट और राइट चैनल का आउटपुट। और साथ में जो ANT करके लिखा हुआ है, ये है आपका FM एंटेना का लाइन। यहाँ पे जो लाल तार है ये FM एंटेना के लिए होगा। ये सॉकेट में गलत जगह बैठा हुआ है, मैं इसको वापस से ठीक कर लूँगा, आप बाद में देख पाएंगे। और कनेक्शन बनाने के लिए कुछ डायग्राम फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके लिंक से चेक कर पाएंगे। अब इस किट का ग्लास बटन सब कुछ ठीक से पोजिशन करके इस किट को लगाकर इस स्क्रू को टाइट कर देना है। इसके बाद हम इस वाले तार को लेके कनेक्शन करेंगे बोर्ड में, ओके। और बाहर से देख लेना है ये ठीक से पोजीशन हुआ कि नहीं। ठीक से अलाइन करके इसके जो दो स्क्रू है, इसमें आपको सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा थोड़ा छेद कर लेना है। उसके बाद दो स्क्रू को लगाकर अच्छे से टाइट कर देना, तो ये फिट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस किट का ऑडियो आउट को होम थिएटर का मेन बोर्ड का ऑडियो इन में कनेक्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, इस वाले इनपुट जहाँ पे जा रहा है उस तार को ढूंढना और वहाँ पे इसको सोल्ड कर देना। और वो जो पीछे से इनपुट का तार आया वो आके जुड़ेगी मेन जो होम थिएटर का वॉल्यूम है उसके साथ, तो वो वॉल्यूम के बगल में ही वो कनेक्शन रहेगा। मेरे केस में ये यहाँ पे है, आप इसको ढूंढ के और थोड़ा कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्टिंग लैंप या फिर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे वो पीछे वाला कनेक्टर और इसके बीच में। अब हमारा ब्लूटूथ किट का जो ऑडियो आउट का 3 तार है वो इन्हीं 3 कनेक्शन में लगेगी। यहाँ पे जो AGND मतलब ऑडियो ग्राउंड का तार है, ये इस बोर्ड का ग्राउंड में लगेगी। इस बोर्ड का ग्राउंड को पता कैसे चलेगा, इस वाली PCB में जो सबसे फैला हुआ ट्रैक रहेगा वही होगा ग्राउंड, और उसको आप कन्फर्म कर पाएंगे एक कंटिन्यूटी टेस्ट से। यहाँ पे इस वाले कनेक्शन से आप पीछे की तरफ जो इनपुट का जो तार है वहाँ पे जो बाहर वाली रिंग है वहाँ पे देखेंगे तो वो कंटिन्यूटी बताएगा, तो वही है आपका ग्राउंड, तो वहाँ पे AGND लगेगा। और बाकी दोनों एल आउट आर आउट का तार को बाकी दोनों जो कनेक्शन बचा उस दोनों कनेक्शन में लगा दीजिए। यहाँ पे उल्टा होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में आप स्पीकर का अरेंजमेंट ठीक करके लेफ्ट राइट चैनल को ठीक कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे होम थिएटर का पीछे की तरफ। यहाँ पे स्क्रू को खोल के यहाँ पे अंदर में एक 5 वोल्ट का बोर्ड बिठाना है और यहाँ पे कुछ एसेंशियल कनेक्शन करना है, तो मैं आ रहा हूँ एक ब्रेक के बाद। अब होम थिएटर को खोल लेने के बाद यहाँ पे एक 5 वोल्ट के लिए एक चार्जर का बोर्ड बिठाएंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 12 वोल्ट अवेलेबल था तो मैं क्यों 7805 IC लगाकर 5 वोल्ट नहीं किया। 7805 से 5 वोल्ट करने से आपका सब कुछ चलेगा, ब्लूटूथ बोर्ड, ये बोर्ड सब कुछ चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑडियो का प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑडियो में जब वॉल्यूम कम रहेगा वहाँ पे एक नॉइज़ सुनाई देगा आपको, उसको हमिंग कहता है। अब इस नॉइज़ को हटाने का सबसे सिंपल तरीका है ब्लूटूथ बोर्ड और आपका होम थिएटर का जो मेन बोर्ड, इन दोनों को सेम पावर सप्लाई से नहीं चलाना है। सेम पावर सप्लाई मतलब है ट्रांसफार्मर का सेम कॉइल से दोनों बोर्ड को नहीं चलाना है। तो अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में आपका 2 कॉइल है,
तो आपका उस केस में आपका काम करेगा। कुछ कुछ होम थिएटर में ऐसा ट्रांसफार्मर भी रहता है, लेकिन इस वाली होम थिएटर में ट्रांसफार्मर में एक ही कॉयल है सेकेंडरी में, तो इसलिए हमें चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब पीछे से 5 वोल्ट का तार को यहाँ पे लाने के लिए हम इन्हीं दिया हुआ तार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नया तार लगाएंगे तो हमें एयर टाइट सील बनाना है, नहीं तो बेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे सामने की तरफ एलईडी जलाने के लिए जो कनेक्शन होता है उन्हीं कनेक्शन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एलईडी का तार को हम देख लेंगे कौन सा तार है। तो ये यहाँ पे मेरे केस में ब्लैक वाला तार है, व्हाइट के बगल में ब्लैक है। ओके, तो ये व्हाइट के बगल में ब्लैक को हम देख लेंगे, और यहाँ पे उस तरफ हम देखेंगे कि कोई दूसरा ब्लैक भी हो सकता है, तो हम व्हाइट को भी याद रखेंगे। तो व्हाइट के बगल में कहाँ पे ब्लैक है यहाँ पे देख लेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूटी टेस्ट से भी पता चलेगा कि ये तार ही ये है कि नहीं। ओके, तो वहाँ पे इस तार को हम सॉकेट से निकाल लेंगे और यहाँ पे इस वाली चार्जर के अंदर लगा देंगे। तो हमारा ये चार्जर का ये तार 5 वोल्ट को ट्रांसफ़र करेगी इधर, और ग्राउंड के लिए हम इसकी होम थिएटर का जो कॉमन ग्राउंड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग तार भी लगा सकते हैं। अलग तार का ज़रूरत है कि नहीं वो आपका होम थिएटर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी किसी होम थिएटर में इस वाले ग्राउंड को यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और किसी किसी होम थिएटर में इस वाले ग्राउंड को यूज़ करने से एक हमिंग की अलग प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर और भी ज़्यादा हमिंग आता है। तो इसलिए अगर आपका ऑडियो में नॉइज आता है तो आप ग्राउंड को सेपरेट कर दीजिए, और इस केस में आपको दूसरा तार लगाना पड़ेगा, वो भी मैं इस होम थिएटर में करके दिखाऊँगा, आप देखते रहिए। अब टेस्टिंग लैंप से मैं कंफर्म कर लिया ये वाला उस वाले एलईडी का तार है, तो इसको हम इस सॉकेट से निकाल लेंगे और इसको हम वो वाला 5 वोल्ट का चार्जर बोर्ड में लगा देंगे। ओके, अब चार्जर बोर्ड से जब कनेक्शन निकालेंगे तो प्लस माइनस को देख के सही तरीके से लगाए, नहीं तो आपका ब्लूटूथ किट खराब हो सकता है। तो इसलिए आप प्लस माइनस के लिए दोनों अलग अलग कलर का तार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो चार्जर में जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे आपका प्लस माइनस पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो आउटपुट कैपेसिटर है इसी से कनेक्शन निकलेगी। यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा हुआ देखिए, जो माइनस की तरफ है वहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ रहेगा और प्लस की तरफ कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो प्लस से प्लस निकलेगा और माइनस माइनस जहाँ पर लिखा है वहाँ से माइनस निकलेगा। ओके, अब इस वाली सॉकेट से एलईडी का तार को खोल के ये जहाँ से निकाला था वहाँ पर वापस से लगा देंगे, और इस तार को चार्जर का पॉजिटिव में लगाएंगे। अब हमें इस बोर्ड से ब्लूटूथ किट को पावर देना है। इस वाले ब्लैक तार से निकलेगी VCC का लाइन, और यहाँ पे जो ग्राउंड का बड़ा वाला पत्ता है इससे निकलेगी ग्राउंड का लाइन। चार्जर का पॉजिटिव को तो हम ब्लैक तार के साथ लगा दिया, और नेगेटिव को कहाँ लगाएंगे? नेगेटिव को लगाएंगे मेन बोर्ड का ग्राउंड के साथ। ये जो चारों तरफ फैला हुआ कनेक्शन है यही मेन बोर्ड का ग्राउंड है, तो यहाँ पर चार्जर का नेगेटिव लगेगी। तो ये हो गया हमारा 5 वोल्ट का पॉजिटिव लाइन, और हमें नेगेटिव लाइन को एक छोटा सा तार लेके उसको काट के मेन बोर्ड का ग्राउंड के साथ कंटिन्यू कर देना है। अब इस चार्जर का बोर्ड को यहाँ पे हॉट ग्लू देके सिक्योर कर देंगे, थोड़ा सा पोजीशन इसको एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हॉट ग्लू या फिर कुछ इस तरह का चीज़ देके हम इसको यहाँ पे बिठा देंगे। और सामने की तरफ जो हमारा एलईडी है उसको डायरेक्ट 5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये 5 वोल्ट से फ्यूज हो जाएगी, इसलिए हम इसकी ट्रैक को काट के एक 1 kΩ का रेजिस्टर लगा देंगे, तो एलईडी भी ठीक से काम करेगी। अब ब्लूटूथ किट का पावर सॉकेट को कनेक्ट करना है, तो पावर सॉकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तार एक जैसा दिख रहा है, इसलिए हम एक को बांध देंगे, जो मैंने ग्राउंड को बांध दिया, तो यहाँ पर हमें गलत नहीं होगा। ओके, तो इसलिए ग्राउंड को ग्राउंड के साथ और पॉजिटिव को जो ब्लैक तार में पॉजिटिव लगाए उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, अब हमारा सभी कनेक्शन हो चुका है। अब हम इस वाली ब्लूटूथ किट का सॉकेट को लगा देंगे, और सभी कनेक्शन को ठीक से देख के हम इसको ऑन करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, अगर कुछ गलती है तो बाद में हम ठीक करेंगे। तो अभी इसको लगा देते हैं और यहाँ पे स्क्रू वगैरह टाइट कर देते हैं। इस वाली FM एंटेना का ज़रूरत मुझे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अंदर ही रहने देता हूँ। अगर आपका ज़रूरत है तो आप इसको कनेक्शन कहीं से निकाल लेना। अब इसको वापस से फिटिंग कर देंगे और इसको टेस्ट करेंगे, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और सब कुछ फिटिंग करने के बाद जब मैं टेस्ट किया, हो सकता है आपके होम थिएटर में ये वाला प्रॉब्लम ना आए। अगर आए तो आप क्या करेंगे, जो चार्जर का बोर्ड का ग्राउंड उसको होम थिएटर का कॉमन ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं करना है, उसको सेपरेटली एक अलग तार देके यहाँ पे लाना है, और ब्लूटूथ किट का जो ग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ था उसको खोल के उस वाले ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना सेपरेटली। ओके, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Thank you.
इसकी डिस्प्ले यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है कैमरा में, रियल में ये स्टेडी दिखेगा। AUX input motor. The Bluetooth device is ready to pair. यहाँ पे एक और सिस्टम आप ऐड कर सकते हैं, पीछे वाला जो इनपुट जैक है इसका कनेक्शन इस बोर्ड में डायरेक्ट ना लगा के जो ब्लूटूथ किट का बोर्ड है वहाँ पे ऑक्स इनपुट का जो कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे लगाए, तो इस किट में रिमोट से मोड चेंज करने से वो पीछे वाला कनेक्टर को वो सिलेक्ट करेगा। भाई इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने, एक एक चीज़ें आपको बारीकी से समझाया, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरे चैनल का वीडियोस पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मुझसे चैट करना या फिर कुछ पोस्ट देखने के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, तो फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है fb.me/freecircuitlab। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।